बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज जो है हमारे पास यहाँ पे शदाद कोट में रात को पहला रोज़ा रखा जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने बोला जितने काम हैं वो आज कर लिए जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि रोज़ों में वो काम करना तकलीफ़ देह भी होंगे और क्यों ना आज टाइम भी है तो आज ही किए जाएँ। सबसे पहले तो गंदम पिसवानी, आटा करवाना है गंदम का। उसके बाद जो है सिलेंडर ख़त्म हुआ हुआ है, गैस ख़त्म हो गई हुई, सिलेंडर से सिलेंडर भरवा के आना है। और उसके बाद जितने भी आज के काम होंगे इंशाल्लाह वो साथ साथ करते जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग जी। तो गंदम की बोरी जो है मोटरसाइकिल पे बांध ली है और अभी जो है हम जाएँगे गंदम का आटा करवाने के लिए। तो चलें चलते हैं गंदम का आटा करवाने जी। तो जो गंदम है वो यहाँ पे मैंने रख दिए गंदम का आटा करवाने के लिए। तो अंकल जी ने कहा है कि शाम को कोई 4-5 बजे आप आ जाना और गंदम का आटा आप अपना ले जाना। तो अभी चलते हैं घर के लिए, बर्फ़ लेनी है, बिजली हमारे पास है नहीं तो उसके लिए बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ लेने के बाद जो घर जाएँगे और फिर सिलेंडर भरवाने जाएँगे, सिलेंडर अभी रहता है। तो मैंने बोला पहले गंदम दे देते हैं आटा करवाने के लिए और उसके बाद जो है जाएंगे सिलेंडर भरवाने के लिए। तो अभी चलें चलते हैं बर्फ़ लेने के लिए जी। तो हम जो है बर्फ़ वाले अड्डे पे आ गए हैं, यहाँ से बर्फ़ लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। बिजली हमारे पास है नहीं तो उसके लिए हमें ठंडे पानी के लिए बर्फ़ लेनी पड़ती है। जी तो बर्फ़ लेके और जो गंदम का आटा हमने पिसाने के लिए देना था वो दे दिया हुआ है और अब जो है सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं। मेरे साथ शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो शाहिद भाई? तो शाहिद भाई को मैंने साथ में उठा लिया हुआ है ताकि शाहिद भाई जो है सिलेंडर को पकड़ के बैठें और हम जा रहे हैं अब सिलेंडर भरवाने। तो चलें चलते हैं सिलेंडर भरवाने। चलें शाहिद भाई। हलवा शाहिद भाई बोल रहे हैं, हलवा यानी कि चलो भाई जी। तो मैं जो है गैस वाली शॉप पे आ गया हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए। उफ़ शोर बहुत ज़्यादा है। मैं जो है गैस वाली शॉप पे आ गया हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए, शोर बहुत ज़्यादा है तो मुझे ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को आवाज़ जो है सही सुनाई दे। तो अभी यहाँ से गैस सिलेंडर भरवाएँगे और उसके बाद जो है बोरियाँ लेनी है। बोरियाँ क्यों लेनी है? इसलिए बोरियाँ लेनी है, गंदम की काश्त हो गई हुई है और मैं उसका व्लॉग बनाना चाहता था लेकिन मैं नहीं बना सका। मेरे घर वालों की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हुई थी तो उसके वजह से वो मैं व्लॉग गंदम की कटाई वाला जो है व्लॉग नहीं बना सका। काश्त कह रहा हूँ मैं, भूल गया। तो गंदम की कटाई वाला व्लॉग जो है मैं नहीं बना सका। मेरी कोशिश थी कि मैं बनाऊँ लेकिन घर वालों की तबीयत जो है अचानक ख़राब हो गई तो उसकी वजह से मैं नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह देखते हैं कटाई के बाद जो थ्रेशर लगता है अगर वो बाकी हुआ, लगना बाकी हुआ तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। और उसके लिए जो अभी मैंने बोरियां लेनी है जिसमें हमने गंदम रखनी है। तो अभी जाके यहाँ से 8-10 कोई बोरियां लेनी है, बोरियां लेके सिलेंडर उठा के फिर सीधा वापस घर। बाहर के तो यही काम थे शहर के, अभी सिलेंडर भरवाएँगे उसके बाद जो है बोरियाँ लेंगे, बोरियाँ लेने के बाद जो है घर वापस जाएँगे जी। तो वापस घर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिलेंडर में गैस भरवानी थी, गैस भी भरवा ली है और साथ में 8-10 बोरियाँ लेनी थी तो वो भी ले ली हैं, क्योंकि गंदम जो है खेत से उठा के घर लेके आनी है और वो बोरियों में लेके आएंगे। तो बाकी बोरियाँ तो पड़ी हुई हैं, बाबा ने कहा था कि 8-10 बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लेते हुए आना। तो मैंने बोला सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं तो जितने काम हो सकते हैं वो साथ साथ करते जाए। अब शाम को जो है एक काम रह गया है, वो कौन सा काम है? वो है जो हम गंदम देके आए थे आटा करवाने के लिए, शाम को जो है इंशाल्लाह 4:30-5 बजे जो है वो वापस लेके आनी है। और जो है हमारे यहीं पे शदाद कोट में जो है एक टूर्नामेंट हो रहा था उसका जो है आज फाइनल है क्रिकेट का, तो आज उसका फाइनल है। देखते हैं अगर जाना हुआ क्रिकेट स्टेडियम शदाद कोट जाना हुआ तो जाएंगे, क्योंकि काम वगैरह भी ज़रूरी ख़त्म करने। तो देखते हैं चक्कर लगता है फ़ाइनल देखने के लिए तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ाइनल की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। पूरा फ़ाइनल तो मैं खुद नहीं देखूंगा तो आप लोगों को क्या दिखाऊँ, कुछ झलकियाँ इंशाल्लाह फ़ाइनल की ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी नहाएंगे धोएंगे फ़्रेश होंगे और ज़ोर की नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगा, थक तो बहुत ज़्यादा गया हूँ।
फिर इंशाल्लाह शाम को जो है 4:30-5 बजे, मैं सिंधी में बोल रहा था 4:30-5 बजे, तो यानी कि 4:30-5 बजे जो है आप लोगों से वापस मुलाकात हो इंशाल्लाह। जी तो शाम का टाइम हो रहा है और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट करके उठ गया हुआ हूँ। फ़ाइनल देखने नहीं गया, थक गया हुआ था तो उसकी वजह से मैंने बोला फ़ाइनल देखने नहीं जाते। तो आज के जो व्लॉग का मेन मकसद था, जो मेन पॉइंट था, मुद्दे की बात पे आते हैं, वो ये है कि मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान शरीफ बहुत 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 मुबारक हो। जितना हो सके इबादतें करें, रहमत वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, मग़फ़रत वाला महीना है, जितना हो सके इबादतें करें। अल्लाह पाक हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अभी हैं, हम सबको जो अल्लाह पाक ने दोबारा मौका दिया है और हमें जो है इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह पाक जो हमारे अकरबा रिश्तेदार, जो हमारे मुसलमान बहन भाई वफात पा गए, इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए। तो जितना हो सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले रमज़ान शरीफ तक हम होंगे या नहीं होंगे, तो जितना हो सके इबादतें करें, इस बाबरकत महीने से जो है फ़ायदा उठाएँ इंशाल्लाह। और मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर 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 पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें, सलामत रखें, दुआओं में याद। फ़े अमान अल्लाह हाफिज़।